हेलो, जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल जी। आज का टॉपिक है न्यू वर्ल्ड बैंक प्रेजेंट 2 जून 2023। अजय पाल सिंह बंगा, NRI, फॉर्मर CEO मास्टर कार्ड। तो ये जो बंगा साहब का पिछले महीने में काफ़ी अप्रैल में जब इनको नॉमिनेट किया था बाइडन साहब ने, तो काफ़ी हम अपने देश में इंडिया में खुशी की लहर आई थी कि हमारे देश के NRI है ना, हमारे देश के मेंबर जो एक जो NRI है हमारे देश के, वो एक ऊंची जगह वर्ल्ड बैंक के प्रेजिडेंट बने हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची पोस्ट है बैंक के अंदर। तो अभी हम देखते हैं बायोग्राफी, बंगा साहब की बायोग्राफी क्या है। ये 20 नवंबर 1959 का जन्म है इनका साहब का, और पद्मश्री अवार्ड इनको दिया गया था 2016 में इंडिया की तरफ से, और बिजनेस एक्सपर्ट, ये दुनिया के चौथे नंबर के बिजनेस एक्सपर्ट हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। एन एक्सेलेंट अचीवमेंट ड्यूरिंग CEO मास्टर कार्ड। यहाँ पे एक दो मिनट बात करते हैं कि मास्टर कार्ड जब ये CEO थे, लगभग 10 साल रहे हैं मास्टर कार्ड कंपनी में, तो यही कार्ड है मास्टर कार्ड जो हमारी पॉकेट में होता है, एटीएम कार्ड जिसको बोलते हैं। आप हम जब हमारी जेब में पैसा नहीं होता, जो एटीएम कार्ड जेब में होता है, तो हम सोचते हैं पैसा हमारे साथ ही साथ में है, कोई शक नहीं साथ में होता है। कहीं भी जाकर उतरो, किसी देश में, दूसरे देश में, किसी शहर में आपके उतरो, अपना एटीएम कार्ड निकालो, मास्टर कार्ड, आप पैसे निकाल लो। तो इसमें तो इसकी जो करामात है वो तो आप जानते ही है ना। ये मास्टर कार्ड इस कंपनी ने बनाया, मास्टर कार्ड कंपनी ने, तो ये उसके CEO थे मान के चलो। तो इनके सुपरविजन में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ। डिजिटलाइजेशन बिजनेस हो गया, कार्ड के डिजिटलाइजेशन नेट है ना। तो जब इन्होंने ये कार्ड बनाया, तो बैंकों ने इनके साथ एग्रीमेंट किया, इस कंपनी के साथ, मास्टर कार्ड कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया, उन्होंने अपने कार्ड इशू किए। तो सर्विस किसने दी? मास्टर कार्ड कंपनी ने उस कार्ड को, मास्टर कार्ड को सर्विस, तो इन्होंने तो सर्विस बनाई है ना, नेट बनाया, डिजिटलाइजेशन नेट बनाया। जैसे हमारे पास नेट आता है मोबाइल पे ना, तो ऐसे इनका भी नेट है, इनका सर्वर है ना, तो वो देता है, जो बैंक कार्ड के साथ एग्रीमेंट करेगा तो उसको ही सर्विस देता है। तो उसके बदले में इसको क्या मिलता है? इसको मान लो जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसका चार्ज पे करते हैं, मान लो बैंक में है ना, या कार्ड पे, या कट जाता है हमारा चार्जेस ट्रांजेक्शन के दौरान, वो चार्जेस इनको जाता है कंपनी को। मान लो एक मास्टर कार्ड 1 मिनट के अंदर 1 लाख ट्रांजेक्शन करता है, 1 मिनट के अंदर मान के चलो, तो इनको 1 लाख ट्रांजेक्शन होती तो कितना पैसा गया होगा? ये ट्रांजेक्शन चाहे होटल की हो, चाहे दुकान पे हो, चाहे किसी बाजार में कर रहा है कोई, चाहे पेट्रोल पंप पे भी कर रहा है, कहीं भी ये मतलब ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो इसका चार्ज जो भी कट रहा है ये सीधा कंपनी को जा रहा है। तो हो गया ना, बैठे बैठाए दिमाग का काम, कमाई होगी ना, दुनिया को, पूरी दुनिया में इनका कार्ड है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो अचीवमेंट हो गया ना। इस अचीवमेंट ने बंगा साहब को हीरो बनाया। तो इस अचीवमेंट को देख के अभी बाइडन साहब ने इनको अपॉइंटमेंट किया है प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक है ना। तो अभी आगे देखते हैं पावर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक प्रेजिडेंट की क्या पावर होती है। देखो पहले जो देखा जाए पावर प्रेजिडेंट का, वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? वर्ल्ड बैंक का काम है गरीबी को दूर करना, मुल्कों की गरीबी को दूर करना। इसके अंडर जो कंट्री मेंबर आते हैं, ये 179 कंट्रीज हैं मान, सो इसके मेंबर हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इन 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 कंट्री के साथ बिजनेस ही करता है। इस मान लो प्रेजिडेंट क्या करता है, जहाँ जहाँ पे वर्ल्ड बैंक की ब्रांचें हैं, एसोसिएशन बैंक हैं, इनके डायरेक्टरों की मीटिंग बुलाता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट करने के लिए डायरेक्शन देता है। प्रेजिडेंट डायरेक्शन देता है, ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ। ये क्या करते हैं बैंक,
मुल्कों को कर्जा देते हैं, मान लो है ना, जैसे हम सड़कें बनाते हैं, हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक को हमारा पास हो गया कर्जा, हम इनको इंटरेस्ट के साथ वापस देते हैं पैसा, तो जो इंटरेस्ट इनको मिलता है, जो इंटरेस्ट इनको मिलता है उस इंटरेस्ट से ये गरीबी दूर करते हैं मुल्क में, जहाँ भी गरीबी है ना। तो अभी आप ये देखो, आप पूछोगे फिर ये पैसा किसकी इच्छा पे चला गया, किसकी डिजायर है कि ये इस कंट्री को प्रायोरिटी गरीबी दूर करनी है, पहले इस कंट्री में गरीबी दूर करनी है, ये पावर में आ गया बंगा साहब की, बंगा साहब यहाँ अपनी प्रायोरिटी दे सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ना मिट्टी का मोह, आदमी को जरूर अपना जरूर ब्लड में होता है मिट्टी का मोह, यहाँ बंगा साहब हेल्प कर सकते हैं, मान के चलो इंडिया को ये गरीबी को दूर करने में हेल्प कर सकते हैं, प्रायोरिटी पे मान के चलो जो अपनी पावर दिखाना चाहे। तो इसलिए जो प्राउड करता है इंडिया कर रहा है कि अभी हमारे जो देश के ओरिजिन के हमारे देश के बंगा साहब बैठे हैं वर्ल्ड बैंक में, तो जरूर ख्याल रखेंगे, ऐसे बोलते हैं हम है ना, तो ख्याल यही कर सकते हैं बस। उसके बाद अगर वर्ल्ड बैंक में काम करने वाले दुनिया के अंदर क्या काम है जरूरी, एक तो हो गया टू रिमूव पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, ये होता है सामने प्रेजिडेंट के सामने काम। दूसरा एक नया काम आ गया है जो दुखी कर रहा है लोगों को, नुकसान कर रहा, मार रहा है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। अभी ये काम वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़ता जा रहा है क्योंकि ये कॉमन वर्क करता है ना, कॉमन वर्क करता है मान लो है ना, तो ये कॉमन वर्क ही बन गया ये ग्लोबल मार्केट वार्मिंग। तो एक मुल्क नहीं पैदा कर रहा ना, ये तो सारे मुल्क धुआं छोड़ रहे हैं। जब से ग्लोबल वार्मिंग कब से बढ़ी है, जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया, क्रांति आ गई, औद्योगिक क्रांति आ गई, इन्होंने बड़ी बड़ी आपने देखा कभी जो सरिया की मिलें होती है, आयरन मिल्स वगैरह कितना धुआं छोड़ रही हैं, भट्ठे देखे कभी चलते इंटों वाले धड़ाधड़ जा रहे हैं ना, तो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, वो ये काम कर रहे हैं ना। तो जब से रिवोल्यूशन आया है तब से, और उसके बाद ये हर घर में चार चार तो गाड़ियां हैं हमारे पास, तीन तीन दो दो चार चार तो गाड़ियां हैं, तो वो भी कारण है ना। और इन चीजों ने क्या किया, इस पर धुएं ने या स्मोक ने जाके आसमान में खराबी कर दी है ना। तो मेरे कहने का मतलब इन्होंने इसकी वजह से गर्मी बढ़ गई। अब गर्मी तो एक चलो बढ़ गई मान लो, लेकिन गर्मी से नुकसान कितना हुआ देखो, मान लो फसल को, एक फसल को लेते हैं ये क्रॉप्स ना, फसलें होगी जैसे अभी मान के चलो गेहूं है ना, गेहूं हम कब नवंबर में बीते हैं, जब इसको सोइंग के टाइम जब करते हैं, बीजने का टाइम होता है बोने का, इसको सर्दी चाहिए, अगर वहां गर्मी हो जाएगी तो क्या करोगे फिर आप, वो उगेगी नहीं, अगर उगेगी तो पूरी नहीं उगेगी है ना। और जब इसका पकने का टाइम होता है उस टाइम इसको गर्मी चाहिए, उस टाइम सर्दी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, हो गया ना, तो फिर इसका जो प्रोडक्शन है पैदावार कम हो जाएगी है ना। तो एक तो ये अप डाउन हो रहा है इससे, दूसरा कैलेंडर भी चेंज हो रहा है, कैलेंडर मीन्स जो गर्मी आपने देखा होगा, पहले सर्दी मान लो अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती थी, नवंबर में फुल अक्टूबर में सर्दी हो जाती थी स्टार्ट, पहले 80 से पहले 70 के दहाके में, अभी नवंबर दिसंबर नवंबर एंड तक पंखे चलते रहते हैं घर में, आपने देखा है ना, नवंबर तक पंखे चलते हैं, तो फिर सर्दी अप्रैल तक कई दफा सर्दी फील होती रहती है ना। तो ये सारा कैलेंडर भी आगे पीछे हो रहा है, तो ये अभी उसके बाद ये तो कैलेंडर भी आगे पीछे हो रहा है, फसल के ऊपर भी असर पड़ रहा है। अभी ग्लेशियर के ऊपर क्या असर पड़ा है, देखो अभी क्या हो रही है, ग्लेशियर जो सारे ड्राउट सूखा पड़ गया मान लो, तो गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पिघल के पानी जो है समुद्र में जा रहा है, वहां ओवरफ्लो हो रहा है, तो वो किनारे तोड़ रहा है समुद्र भी वहां पे है ना, तो वो सूख रहे हैं तो पानी उधर जा रहा है, तो वहां पे लोग जो पानी इस वक्त पे जाएंगे पानी नहीं मिलेगा रास्ते में, है कि नहीं, पानी पहले ही निकल गया वहां से, तो ये सारा क्या हो गया, सारा टाइमिंग जो अपसेट हो गया, तो साइकिल चेंज हो गया मान लो है ना, जो पहले था पीछे पीछे वाला पहले हो गया। तो उसके बाद आ जाओ स्ट्रॉन्ग, ये जो स्ट्रॉन्ग ये बड़ी खतरनाक चीज है, देखो अचानक ही तूफान आ जाता है, अचानक आंधी आ जाएगी, फिर आंधी पता है कैसी आती है, ऐसी आती आपने देखा भी नहीं होगा, आसमान में धूल कभी देखी थी इस इलाके में पंजाब हरियाणा में, आसमान में धूल चढ़ जाती है, आसमान में कभी रेता हमने देखा ना, वो भी देख रहे हैं आसमान में पूरा फैल जाता रेत राजस्थान का, तो ऐसी सी आंधियां आ रही है, तूफान आएंगे,
इससे क्या हो रहा है कि आप पता नहीं कर आप हैरान हो जाओगे कि कितनी दुनिया मर रही है। अभी गर्मी के अंदर हीट स्ट्रोक हो जाते हैं, बंदे मर रहे हैं, कितनी गिनती बढ़ गई थी, है ना। फसल नहीं ठीक हो रही है और गाड़ियां भी ज्यादा हीट हो रही हैं, गाड़ी भी रोड पे आग लग जाती है, कारों को भी चलते समय, है ना। तो ये सारा जो क्या हो रहा है, ये सारा उथल पुथल कौन कर रहा है, ये क्लाइमेट कर रहा है। तो इस क्लाइमेट को भी अभी इसका जो है कि ग्लोबल वार्मिंग का भी सब्जेक्ट जो इसके साथ जुड़ रहा है वर्ल्ड बैंक के साथ, ये कॉमन है, तो ये भी देखे साथ साथ। पीछे जो जितनी मीटिंग हुई है देशों की, अमेरिका तो पहले मना ही कर रहा था, बोलता हम नहीं, चाइना थे, चाइना गाड़ियां ज्यादा चलाता, धुआं फेंक रहा है, वो इंडिया फेंक रहा है, एक दूसरे कंट्री को जो बोल रहे थे वो ज्यादा धुआं फेंक रहा है, इंडिया ज्यादा फेंक रहा है, चाइना फेंक रहा है। तो वो कोई पैसा देने को तैयार नहीं था इसका प्रॉब्लम हल करने के लिए। वर्बल मीटिंगें, नॉर्मल मीटिंगें चलती रही, लेकिन अभी तो इसके ऊपर सख्ताई होने लगी है पूरे मुल्कों के अंदर। इसको क्लाइमेट का, ग्लोबल वार्मिंग का फर्क पड़ गया है जो इसका असर हुआ है। तो अभी इसके साथ भी ये जुड़ेगा काम, इनके उनको मिलेगी ड्यूटी शायद। तो उसके बाद अबाउट प्रॉब्लम्स, इफ कंट्रोल्ड बाय अजय बंगा इन द वर्ल्ड, देन ही विल बी अगेन रिमेम्बर्ड, देन ही विल बी रिमेम्बर्ड अगेन। फिर उनको ऐसे ही याद किया जाएगा जैसे सीओ वाले मास्टर कार्ड में याद किया लोग दुनिया ने, और इसी कार्ड की वजह से बहुत स्टार बने हैं ये, और काम भी ऐसा किया है बहुत एक चमत्कार जैसा है। तो ये आज था बंगा साहब के ऊपर, तो कितनी वीडियो बनी है जिस दिन से बाइडन साहब ने उनको नोमिनेट किया है। तो लेकिन उसके पीछे बंगा साहब का आगे फ्यूचर में उनसे क्या उम्मीदें हैं, ना। तो अगर साहब ऐसा करें, हम तो उम्मीद करते परमात्मा उनको शक्ति दे, तो वो दुनिया में ये एक काम ये भी करके दिखाएं जैसे सीईओ मास्टर कार्ड का काम किया। जय हिंद।